हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और आज हम नया वीडियो लेके फिर से हाजिर हैं। तो आज ये मैंने बनाया है एक वॉल आर्ट, तो आप भी बना सकते हैं। ये जो मैंने बनाया है बिल्कुल वेस्ट कार्डबोर्ड के टुकड़ों से बनाया है। तो ये देखिए, ये है मेरा खजाना, इसमें मैं भर के रखी हूँ। जो बेकार कार्डबोर्ड के टुकड़े पड़े हुए थे तो उनको मैंने फेंकने से अच्छा मैंने सोचा चलो कुछ बनाया जाए। ये देखिए, इस तरीके से पतली पतली पट्टियाँ मैंने काट ली हैं। और एक ये बड़ा सा थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड है, तो ये इस तरीके से मैंने पहले सेट किया कि कैसा अच्छा लगेगा। और फिर मुझे लगा कि नहीं, चलो ठीक है, इस तरीके से अच्छा लग रहा है, तो मैं ये जो बड़ा वाला है इसको मैं थोड़ा सेफ दे दूँगी। तो मैंने इस तरीके का इसको सेफ दिया है। और ये जो हैं पट्टियाँ थोड़ी पतली हैं, तो मैं इनको एक दूसरे पे फिक्स कर लूँगी एक दूसरे के साथ। ये देखिए, ये स्केल है, एक स्केल होती है जो 30 सेंटीमीटर की, उसी के बराबर ही है। तो अब इनको मैं आपस में चिपका लूँगी ताकि थोड़ा मोटा हो जाए और ये लंबे समय तक चले। तो इस तरीके से मैं सारी पट्टियाँ चिपका ली हैं। अब इनको थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर हम लोग सेट करके ये इस तरीके से मैं इसको फिक्स कर लूँगी इसमें। तो इसको भी मैं फेविकोल की हेल्प से ही फिक्स किया है मैंने। और ये देखिए, ज़्यादा गैप नहीं रखा है मैंने, एक तो थोड़ा थोड़ा गैप रखा है। और ये जो दिख रहा है वो मैंने निशान लगाया क्योंकि मुझे ऊपर से कट करना है। अब मैं इसमें लगा रही हूँ फेविकोल, और इस पर मैं जो है टिश्यू पेपर से फिक्स कर, मतलब टिश्यू पेपर को मैं थोड़ा इसमें चिपकाऊंगी सभी में थोड़ा थोड़ा, ताकि जब हम इसमें पेंट करें या कुछ करें तो वो एक मतलब बराबर दिखाई दे, लुक अच्छा आ जाए। और जो बचेगा ना उसको मैं काट करके और फिर से मैं सेट कर दूंगी। तो ये सूख गया है, ये मैंने सभी में टिश्यू पेपर लगा लिया है। अब इसको ना मैं वाइट कलर से पेंट कर दूंगी। ये एक्रेलिक कलर की मतलब एक्रेलिक कलर है, और ये भी काफ़ी समय तक चलता है। तो ये वाइट कलर हो गया है। अब मैं इसमें, ये तो मैंने बेस के लिए किया हुआ था, अब मैं इसमें थोड़ा अलग कलर दूंगी। तो अब मैं इसमें येलो कलर कर देती हूँ ताकि अच्छा लगे। तो चलिए फटाफट मैं कलर करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, ये हो गया येलो, और इसको हम अब सूखने रख देंगे थोड़ी देर, 1 घंटे में सूख जाएगा, गर्मी है तो जल्दी सूख जाता है। तो ये बीच में जो दिख रही है थोड़ी थोड़ी जगह खाली, कहीं वाइट दिख रहा है उसको भी मैं ना, ये जो जगह खाली बची थी उसमें मैं ना थोड़ा सा वॉल पुट्टी से मैं उसको फिल कर देती हूँ। मुझे पहले याद नहीं आया, बाद में याद आया कि नहीं करना चाहिए था, तो फिर मैंने बाद में से किया। बहुत दिक्कत हुई थी लेकिन फिर हो गया था। तो ये देखिए, बॉर्डर पे जो मैंने किया है वो है ब्लैक कलर। अब मैं बीच में इसमें कुछ लिख देती हूँ। हाँ, मैंने ये लिखा है ऑलवेज हैप्पी, ताकि जब भी मैं इसको देखूँ तो मन हैप्पी रहे। और फिर मैंने लिखने के लिए रेड कलर यूज़ की हूँ। आपके पास भी अगर कार्डबोर्ड हैं या वेस्ट टुकड़े हैं तो आप भी इससे ना बहुत सारे क्राफ्ट कर सकते हैं कम खर्च में। और अगर इसी तरीके का क्राफ्ट हम या फिर वॉल आर्ट मार्केट से खरीदेंगे ना, तो
150 रुपये 250 रुपये में मिल जाता है। लेकिन ठीक है, जब हम बना सकते हैं तो खरीद कर क्यों लाना, इसलिए मैंने सोचा चलो बनाया जाए। और ये हो गया है, मैं थोड़ा बहुत राइट साइड में कुछ बना देती हूँ पैटर्न, क्योंकि खाली खाली भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं ना इसमें आगे ना यहाँ पे जो नीचे नीचे की साइड में ना की होल्डर जैसा फिक्स करने वाली हूँ, कुछ वायर रखे हुए हैं तो उनको यू शेप में बना करके इसमें नीचे फिक्स कर दूँगी। वो आती है ना एम सील, उसकी हेल्प से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।